ईडी ने नेशनल हेरल्ड के मुख्यालय दिल्ली में बहादुर शाह जफर स्थित मुख्यालय पर छापा मारा और खबरों के मुताबिक और भी जगहों पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो एजेंसी भारत सरकार की है वो छापे मार रही है। मुझे ऐसा लगता है कि भारत के इतिहास में राजनीतिक प्रतिशोध और राजनीतिक बदले की भावना से ग्रसित होकर इस तरह का कुत्सित काम शायद ही किसी सरकार ने किया हो जो आज मोदी सरकार कर रही है। ऐसी मिसाल दूसरी कोई नहीं है। आपकी जानकारी के तौर पर यह बताना जरूरी है कि ये दो कंपनियां यंग इंडिया और एजेएल, यंग इंडिया एक सेक्शन 25 की कंपनी है जो नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए बनी है, वहां पर प्रॉफिट की कोई गुंजाइश ही नहीं है। उसके डायरेक्टर्स को ना रेम्यूनरेशन मिल सकता है, ना प्रॉफिट मिल सकता है, ना डिविडेंड मिल सकता है, वहां से कोई भी बेनिफिट नहीं मिल सकता है। एजेएल एक पब्लिक इंटरेस्ट में आने वाला न्यूज़पेपर है, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह का बीजेपी पेंट कर रही है नहीं है। ये दोनों कंपनीज के रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस आरओसी पर भी अवेलेबल है और तमामों जगहों पर भारत सरकार के पास अवेलेबल है, इनके टैक्स रिटर्न्स, इनके आरओसी के डॉक्यूमेंट्स। इनफैक्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष की आपने तीन दिन पूछताछ करी, हमारे पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी की आपने पांच दिन पचास घंटे पूछताछ करी। तो या तो ईडी बिल्कुल नाकारा है या सत्य सिर्फ एक है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भाजपा का इलेक्शन डिपार्टमेंट बन चुका है, भारतीय जनता पार्टी का एक नवनिर्मित फ्रंटल है, एजेंसी बिल्कुल नहीं है, जिसका इस्तेमाल प्रतिशोध की राजनीति के लिए, विपक्ष के लोगों को डराने धमकाने के लिए, चुनी हुई सरकारों को तोड़ने के लिए, गिराने के लिए और अपने ही लोगों को नियंत्रित में रखने के लिए किया जाता है। लेकिन असलियत एक और भी है कि इस देश का असल मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी है। और आप कुछ भी कर लीजिए, आप कितने भी पाबंदी लगाइए, आप कितने भी छापे मारिए, हम उन दो मुद्दों से देश का, जनता का ध्यान भटकने नहीं देंगे। चाहे संसद में हो और चाहे सड़क पे हो, चाहे प्रधानमंत्री का आवास घेरने की बात हो जो 5 तारीख को हम करेंगे, या राष्ट्रपति आवास पर वॉक टू राष्ट्रपति भवन पर चलने की बात हो, मुद्दे इस देश के बेरोजगारी और कमर तोड़ महंगाई है और उससे हम ध्यान बिल्कुल नहीं भटकने देंगे। ये सारी चीजें, ईडी की रेडे, ईडी की गिरफ्तारी, इस तरह की प्रतिशोध की भावना, शायद दूसरे लोग डर जाते होंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता, हमारे आर्म्स और हम डरने वाले बिल्कुल नहीं हैं। हम लगातार आपसे सवाल आपकी विफलताओं पर, लगातार सवाल जनता की कमर तोड़ महंगाई पर, युवाओं के भविष्य पर जो बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, पूछते रहेंगे। हम इसकी जितनी कड़ी निंदा करें कम है, लेकिन ये सिर्फ राजनीतिक प्रतिशोध से ग्रसित छापे हैं जो सरकार का नव निर्मित फ्रंटल ईडी या इलेक्शन डिपार्टमेंट, जैसा भी आप कहना चाहिए, कर रहा है। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।